पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रामीण बैंक कर्मियों को पेंशन दिए जाने का आदेश पारित किया गया था। तदुपरांत 19/2018 को भारत सरकार द्वारा 120 दिन के अंदर प्रथमा बैंक रिटायर्ड को भी पेंशन भुगतान हेतु बजट प्रकाशित कर दिया गया था, परंतु आज तक प्रथमा बैंक द्वारा अपने रिटायर्ड को पेंशन देना प्रारंभ नहीं किया गया है। पेंशन न मिलने पर इलाज न करा पा रहे हैं और न ही अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं तथा रिटायर्ड की अब तक मृत्यु भी हो चुकी है। आज इस शांतिपूर्ण धरने का उद्देश्य प्रथमा बैंक प्रबंध तंत्र का ध्यान आकर्षित कर शीघ्र पेंशन वितरण कार्य प्रारंभ करना है। यदि आज भी प्रथमा बैंक प्रबंध तंत्र पेंशन मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो रिटायर्ड द्वारा अपना आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया जाएगा। धरने में सैकड़ों रिटायर्ड ने भाग लिया तथा AS गुप्ता, अनिल तोमर, मुकेश टंडन, HP शर्मा, महेंद्र सिंह, PK वर्मा, जय प्रकाश, SA कुरेशी, धन सिंह, मदन पाल सिंह, पेंशन आदि के धरने को संबोधित किया। पीछे प्रथमा बैंक या ग्रामीण बैंक कर्मियों की जो है पेंशन की एक बहुत लंबी डिमांड थी जो पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने की मंजूरी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बनाकर ये नाबार्ड के ऊपर डाल दी। नाबार्ड ने वो स्पॉन्सर बैंक के ऊपर डाल दिया और स्पॉन्सर बैंक ने कंसर्न RRB के ऊपर डाल दिया। ये पिछले कई महीने से ये प्रोसेस खिस्ता चला रहा है। हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे किसी प्रकार इस मामले का हल हो जाए, पेंशन हो जाए, लेकिन उसमें बहुत शिथिलता चल रही थी। और एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एम्प्लॉय श्रम निधि कार्यालय बरेली से वो आंकड़ा नहीं मिल पा रहा था, तो वो आंकड़ा यहाँ पर तैयार कराया, उसमें काफ़ी देर हो गई। उस देरी के कारण जो है लोगों में बड़ा आक्रोश था और इसलिए धरना आयोजित किया गया, लेकिन अब कुछ ऐसा सुनने में आया है कि उसका समाधान कर लिया गया है और कल से पेंशन वितरण का काम शुरू हो